गाइस आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं 12:02 पे और ट्रेन में स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इंट्रो शूट करना था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जल्दबाजी में निकले ट्रेन में बैठे और इंट्रो शूट नहीं कर पाए। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं ट्रेन में। और आज मैं आप लोगों को जो है कुछ हैदराबाद की सीन्स भी दिखाने वाला हूँ जो कि छूट गई थी। गाइस हैदराबाद सिटी से हमारी ट्रेन जो है छूट चुकी है और अब चलते हैं अपनी सीट पे बैठते हैं और आप लोग से मिलते हैं बनारस में। तो गाइस ओदेला स्टेशन आ चुका है। और दोस्तों आप लोग भी ट्रेन का अगर सफ़र करते हो कभी तो आप लोग गेट पे मत रहिए, मैं सिर्फ यहाँ आया था अपना इंट्रो शूट करने। अब चलते हैं अपनी सीट पर बैठते हैं। तो फाइनली गाइज आज दूसरा दिन है और हम लोग अभी प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और रात में हम लोग खाना वाना खाने के बाद सो गए थे। तो उठे सुबह 8 बजे, ब्रश किए, फ्रेश हुए, उसके बाद आज आधे घंटे के बाद जो है फ्रेश होने के बाद हम लोग प्रयागराज जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। और प्रयागराज जंक्शन का व्यू ये देख सकते हो आप लोग। और प्लेटफार्म अभी जो है मेरे राइट साइड में है, तो राइट साइड में मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को प्रयागराज जो प्लेटफार्म है, जंक्शन है, उसको आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है प्रयागराज जंक्शन, कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। तो इस साइड तो प्लेटफार्म नहीं था तो मैंने अपना शूट कर लिया। और दोस्तों ट्रेन से बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन क्या है कि अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो अब चलते हैं, अब आप लोग से मिलते हैं बनारस सिटी में। और दोस्तों ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं तो अपना खाना वाना लेकर चलते हैं, क्योंकि 2 दिन का ये सफ़र था तो हम लोग का खाना हो गया ख़त्म। तो अभी चलते हैं कुछ समोसे में से ले लेते हैं, खाते हैं, क्योंकि आज जो है ट्रेन में हमें आधा दिन बिताना है। 1:30 बजे हम लोग बनारस वाराणसी जंक्शन पे पहुंच जाएंगे, वहां से बस लेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो चलते हैं, सबसे पहले कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। कितने का भाई? 20 का 3 है। 20 का 3 है, 3 दे दो। गर्म है ना? गर्म। वैसे तो गाइस ट्रेन में मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़े ना, तो भूखा रह लेंगे, लेकिन कुछ खाते नहीं है फिलहाल। जो है मेरे साथ में कोई और है, उनके लिए ये समोसे ले लिए और एक समोसा मैं भी खा लेता हूँ, देखते हैं कैसे है। वैसे देखें दोस्तों समोसा ठीक ही है, क्योंकि रेलवे में जो सामान होते हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म के बनाए जाते हैं खाने पीने वाले। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग वाराणसी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और अब यहां से जाएंगे कैंट और कैंट से सीधा अपना लेंगे बस और बस से सीधा अपने घर पर। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से घर पर। हम लोग सागंज वाली जो बस है कैंट पे, इस बस में हम लोग बैठ चुके हैं और अभी जो है 2 या 2.5 घंटों में हम लोग खेतासराय में होंगे अपने घर पे। तो अब मिलते हैं आप लोग से घर पे, क्योंकि भाई बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है और हम लोग को बस भी मिल चुकी है। ये देख सकते हो बस पूरी खाली है, तो हम लोगों ने यहाँ अपना सामान रख दिया। तो अब आप लोग से मिलते हैं खेतासराय में अपने घर पे। तो
अभी जो है 4:51 हो रहे हैं। तो गाइज अभी जो हम लोग हैं जौनपुर बस स्टैंड पे हैं, तो यहाँ से कुछ आधी उधी घंटा लगेगा हम लोग को पहुँचने में। तो अभी आधी घंटे में हम लोग घर पे होंगे और ये रही हमारी बस पीछे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:52। चलते हैं अपने बस में बैठते हैं, अभी कुछ देर में जो है हम लोग अपने घर पे होंगे। गाइस अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। अब घर पे आ चुके हैं, जाएंगे फर्स्ट क्लास, एकदम फ्रेश होंगे और नहाएंगे और एक नींद मारेंगे। उसके बाद भाई आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस पे नए होंगे वीडियोस को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जिससे हमें पता चल सके आप हमारे ब्लॉग को वॉच करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।